इस बात को फिर से दोहराया जाना, माँ सरस्वती पूजा का दिन 26 जनवरी 2023 माता सरस्वती देवी कला की देवी आर्ट ऑफ स्टैचू, ये जितने भी धर्म हैं दरअसल लॉजिकली थे, लोग भूल गए, लॉजिक भूल गए और सिर्फ पूजा पाठ इबादतें करने लगे और मुश्किलात में पड़ गए कि इतनी पूजा पाठ इबादत नमाजें पढ़ता हूँ लेकिन परेशान रहा करता हूँ। लॉजिक तो तुम भूल ही गए, वो लॉजिकली थे, फिर से शुरू हो जाएं। अगर माँ सरस्वती की पूजा आज के दिन आप करते हैं जो कला की देवी है, तो कला का मतलब है तुम्हारे हर काम में कला होनी चाहिए। निश्चित करें आज से हर कदम में कला होगी, आप कोई भी काम करेंगे उसमें एक कला नजर आएगी। कला मतलब एक व्यवस्थित कार्य, एक व्यवस्थित जिंदगी, एक व्यवस्थित तरीका। अगर आप माँ सरस्वती पूजा में आते हैं और कार्य व्यवस्थित नहीं होता तो फिर कला की देवी का पूजन किस लिए करते हैं, फिर किसे धोखा दिए जाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अलावा माँ सरस्वती पूजा होने से दोनों ही कार्यक्रम मिक्स होकर काफ़ी बड़ा आयोजन का दिन हो गया आज का। जगह जगह लोगों ने मंदिरों में या जो भी जगह है इकट्ठे होकर भजन आरती गाए, या तो वो माँ सरस्वती देवी की आराधना है और फिर या गणतंत्र दिवस, दोनों ही हमारे मुल्क से संबंधित हिंदुस्तान से। माँ सरस्वती देवी की आराधना के दिन सभी के लिए इंतजाम, पूजा का सभी पूजा में इकट्ठा हुए छुट्टी की खुशी सभी के चेहरों पर नज़र आती है। अब जो काम पर ही नहीं है उन्हें छुट्टी का एहसास ही नहीं हो सकता, दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास हो ही नहीं सकता। इंटरप्राइजेस ऑफिस पर हर एक धार्मिक आयोजन पर या छुट्टी के दिन सभी लोग जमा होकर देशभक्ति के भजन या फिर उस त्यौहार से रिलेटेड भजन गाया करते हैं। इस बहाने सभी एक जगह इकट्ठा भी होते हैं और ये होना भी चाहिए, ये तरीका है जीने का, खुश रहने का। सरस्वती पूजा का आयोजन और फिर प्रसाद खाना सभी के लिए, किसी भी भोजन के आयोजन में सबसे पहले पानी के हाथ धोने की व्यवस्था, सुव्यवस्था होनी चाहिए, नल होना चाहिए। वो बर्तन को किसी ड्रम में डालकर पानी निकाल कर अगर हाथ धोते हैं तो वो पूरा पानी अब दूषित हो चुका है और वो परेशानी भी है उसमें, लेकिन इसका इंतजाम कर पाने में सभी जगह भारतीय लोग लाचार, वो कर ही नहीं पाते। दोपहर को ये सरस्वती पूजा और भोजन
महादेव शिवालय मंदिर के पास, डॉन बोस्को स्कूल के पीछे, राजधानी स्वीट्स के पीछे, नायगांव ईस्ट, पालघर, मुंबई।